बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम अपने सबक का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। हम उर्दू कहानी अम्मी डॉक्टर क्यों बनी के मशकी सवाल कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सबक सीखे थे उनको दोहरा लेते हैं। डॉक्टर बनना जो है वो एक बहुत मुकद्दस पेशा है। कुरान मजीद में इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत आई है, और जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, और अपनी ज़िंदगी के कीमती साल 5 साल FSC के बाद मेडिकल कॉलेज में लगाने पड़ते हैं। अगर आपको डॉक्टर बनने का शौक़ है तो आज से ही मेहनत की आदत डालें। दूसरा, हमने ये सबक सीखा था कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। हमें हर वक़्त दूसरों के बारे में नुक्ताचीनी करने की बजाय जो भी अच्छा काम हम कर सकते हों वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि माशरे की बर्बादी के नोहे पड़ने से बेहतर है कि हर शख्स अपने हिस्से के खैर के काम और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। क्योंकि हमने बहरकैफ अपने हिस्से का काम करना है, कोई करे ना करे, मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने सच के रास्ते पे चलना है। कई दफ़ा हम कहते हैं लोग सारे लोग तो झूठ बोलने हैं, मेरे सच बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा। असल में फ़र्क पड़ता है, किसी और को फ़र्क पड़े ना पड़े मुझे तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कोई अच्छा काम करूँगा तो मुझे अल्लाह से अजर तो ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। तीसरा, हमने सबक ये सीखा था कि पहले कुछ बन लो फिर दूसरों की मदद करो। तो आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई की तरफ पूरी तवज्जो दें, दिल लगा कर अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि आप अच्छे ग्रेड के साथ इम्तहान पास करें। आपका सबसे अहम काम जो है वो रोज़ का रोज़ स्कूल का काम करना है। हम अपने सबक की तरफ आते हैं। जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है, दुरुस्त मानी के गिर्द दायरा बनाएं। ये हमारा आज का मशकी सवाल है। पहला जुमला है, सादिया अम्मी जान का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। शिद्दत के क्या मानी है? गुस्से से, खुशी से, या फिर बहुत ज्यादा बेचैनी के साथ। सादिया अम्मी जान का शिद्दत से इंतजार कर रही थी, बहुत ज्यादा इंतजार कर रही थी। तो शिद्दत का मतलब होता है बहुत बेचैनी से, बहुत ज्यादा इंतजार करना। अगला जुमला है, अम्मी जान ने लपक कर सड़क पार करना चाही। लपक के मानी क्या हो सकते हैं? पैदल चलना, एहतियात से चलना, या फिर तेजी से चलना। अम्मी जान ने लपक कर सड़क पार करना चाहिए। लपक का मतलब होता है तेजी से, बगैर इधर उधर देखे बस दिमाग में ख्याल आया और तेजी से वो ख्याल करने उसके ऊपर अमली जामा पहना दिया। तो जब भी बच्चों सड़क पार करें, दोनों तरफ देख लें कोई तेज रफ्तार गाड़ी तो नहीं आ रही। करीब ही मेरे अम्मी और अब्बा परेशानी के आलम में खड़े थे। आलम में का क्या मानी है? एमरजेंसी। आपको पता है कि एमरजेंसी हंगामी सूरत हाल को कहते हैं। आमतौर पे जब एमरजेंसी में गाड़ी में बैठे हों तो उसके ऊपर एक बत्ती जो है वो जल बुझ रही होती है। हालत, परेशानी की हालत, नींद की हालत, और अस्पताल जो है वो जगह है जहाँ पे बीमार इलाज कराने जाते हैं। डॉक्टर होते हैं, नर्सिस होती हैं, और अस्पताल का अमला होता है। प्यारे बच्चों, ये भी हमने सीखा कि जब भी बीमार हों तो किसी मुस्तनिद डॉक्टर से इलाज कराएं,
आपको पता है कि इंसानी जिस्म बहुत पेचीदा है। डॉक्टर्स ने अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा मोटी किताबें पढ़ने में 5-6 साल के बाद मेहनत करने के बाद डिग्री हासिल करते हैं, फिर अमली तजर्बा हासिल करते हैं। तो जो पीर फ़कीर हैं उनके पास कभी भी ना जाएं, उनसे कभी भी दवा ना लें, आप अपनी जान से भी जाएंगे। करीब ही मेरे अम्मी और अब्बा परेशानी के आलम में खड़े थे, हालत में खड़े थे, आलम में हालत में खड़े थे। अम्मी हस्बे मामूल देर से आई। हस्बे मामूल का क्या मानी है? रोजाना की तरह, जबरदस्ती, मुश्किल से, मर्जी के खिलाफ। मर्जी के खिलाफ जैसे आप देख रहे हैं कि घसीटना पड़ता है, अगर किसी की मर्जी के खिलाफ हो तो उसको बड़ी मुश्किल से उस तरफ ले जाना पड़ता है। अम्मी हस्बे मामूल देर से आई, रोज़ाना की तरह, यानी हस्बे मामूल जो उनकी रोज़ाना का मामूल था। सादिया ने अम्मी का हाथ बटाने का अहद किया। हाथ बटाना किसको कहते हैं? हाथ दबाना, मदद करना, हुक्म मानना। सादिया ने अम्मी का हाथ बटाने का अहद किया, मदद करने का अहद किया, वादा किया कि वो भी नेकी के कामों में अपनी अम्मी की मदद करेगी। तो प्यारे बच्चों, हमारी मकसद, तालीम का मकसद अच्छा पाकिस्तानी शहरी बनना, अच्छा इंसान बनना और अच्छा मुसलमान बनना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह की किताब को तर्जुमे के साथ पढ़ें। आप उर्दू पढ़ना सीख रहे हैं तो अपने ऊपर लाजिम कर लें कि आपने कम से कम रोज़ाना की 3 आयात तर्जुमे के साथ पढ़नी है। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।